शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैंप एक में कक्षा 9वीं की 30 छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत मुख्य अतिथि दुर्ग सांसद विजय बघेल के कर कमलों से साइकिल वितरित की गई एवं नव प्रवेशी बच्चों को प्रतिदिन स्कूल आने के लिए प्रेरित भी किया गया। बुधवार 28 जून को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैंप एक में कक्षा 6वीं एवं कक्षा 9वीं में प्रवेश करने वाले नव प्रवेशी बालक बालिकाओं का तिलक लगाकर एवं मुंह मीठा कराकर स्वागत सम्मान किया गया। शाला प्रवेश उत्सव के इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि दुर्ग जिले के सांसद विजय बघेल शामिल हुए। साथ ही शाला विकास समिति के अध्यक्ष एवं वार्ड की पार्षद सत्या देवी जायसवाल के साथ क्षेत्र के समाज सेवियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शाला प्रवेश उत्सव के कार्यक्रम में शाला में अध्ययनरत छात्राओं द्वारा राजकीय गीत पर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत सम्मान शाला की परंपरा अनुसार पुष्पगुच्छ एवं शॉल और श्रीफल देकर और तिलक लगाकर किया गया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अतिथियों के उद्बोधन के पश्चात कक्षा 6वीं एवं कक्षा 9वीं में प्रवेश करने वाले सभी विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि द्वारा तिलक लगाकर एवं मुंह मीठा कराकर शाला में प्रवेश कराया गया। इन बच्चों को नए गणवेश एवं पाठ्य पुस्तकें भी वितरित किए गए, जिससे आने वाले समय में इन्हें शिक्षा ग्रहण करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। इसी के साथ शाला के मेघावी छात्र छात्राओं का स्वागत सम्मान भी पुष्पगुच्छ एवं उपहार देकर किया गया। वक्त वक्त पर शाला परिवार को आर्थिक मदद देने वाले दानदाताओं को भी मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया। इस मौके पर शासन की सरस्वती साइकिल योजना का लाभ दिलाते हुए 30 छात्राओं को साइकिल का वितरण किया गया एवं शाला प्रांगण में मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा छायादार पौधे भी लगाए गए, जिन्हें पौधे से वृक्ष बनने तक की जिम्मेदारी शाला प्रबंधन ने अपने कंधों पर ली है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे दुर्ग जिला सांसद विजय बघेल ने शाला में प्रवेश करने वाले सभी विद्यार्थियों को ढेरों शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया है। साथ ही आने वाले वक्त में जिस प्रकार की मदद हो सके वह सारी मदद उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया है। वहीं वार्ड पार्षद सत्या देवी जायसवाल ने भी शाला में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। शाला की प्राचार्य श्रीमती जया तिवारी ने कार्यक्रम की जानकारी मीडिया को उपलब्ध कराई है। आज हम लोग शासकीय उत्तर माध्यमिक शाला कैंप 1 के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित हैं, स्कूल में, और यहाँ लगभग 30 बच्चियों को हम लोग सरस्वती साइकिल योजना के तहत आज साइकिल वितरण किए हैं। सभी प्रबुद्धजन और सभी स्टाफ के हमारे लोग मैडम जया के नेतृत्व में, आज पार्षद सत्यवती जायसवाल जी और सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। ये योजना बहुत पहले शुरू हुई थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में और अभी तक लगातार ये योजना चल रही है। आज ये सरकार के राज्य सरकार के अभियान में हम सब जुटे हुए हैं और आज प्रवेश उत्सव भी था। नौ प्रवेशी 5वीं क्लास से जो 6वीं क्लास गए, 8वीं क्लास से जो 9वीं क्लास गए, उन बच्चों को हमने प्रवेश दिलाया, उनको आशीर्वाद दिए, उनको शुभकामनाएँ दी, उनके उज्ज्वल सुख भविष्य की कामना। मुझे इस स्कूल में आके बड़ा अच्छा लगा। शासकीय स्कूल में बहुत सारे संसाधनों की कमी होने की वजह भी यहाँ के जो स्टाफ हैं मैडम जया के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, चाहे मिडिल स्कूल हो, पटेला जी के नेतृत्व में पटेला मैडम के, वो भी बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहे और उनका रिजल्ट मैंने देखा। शासकीय स्कूल का रिजल्ट इतना अच्छा हो ये वाकई में तारीफ करने लायक है और मैं उनका बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ। आगे हम सब मिलकर इसमें सहयोग करें, समाज सेवी लोग भी बहुत सारे सहयोग कर रहे हैं, ऐसे ही सहयोगी संस्थाएं या सहयोगी लोग आगे आकर शासन से बहुत सारी सुविधाओं से वंचित रहने वाले ऐसे स्कूल को अपना सहयोग प्रदान करें ताकि बच्चों को जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, इस स्कूल में पढ़ते हैं। बड़े बड़े लोग तो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को डाल देते हैं, लेकिन ऐसे स्कूल में बहुत ही मिडिल क्लास लोग और मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के लोग आके उनका हम सब हौसला अफजाई करें, उनको संबल और सहारा प्रदान करें। आज वृक्षारोपण हुई कार्यक्रम है, पर्यावरण का ये अवसर चल रहा है, हम सब अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। वृक्ष और हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम हैं तो वृक्ष है और वृक्ष है तो हम हैं। इस भाव के साथ हम सब जिए, भले ही आप पानी के बगैर, खाना के बगैर हफ्ता, 10 दिन, महीने, दिन, 2 महीने रह सकते हैं,
मगर हवा के बिना एक मिनट रहना, वो भी शुद्ध हवा के बिना एक मिनट रहना मुश्किल है। हमारा जीवन में अगर सांस दर सांस हमको हवा ना मिले तो हम मृत्यु के कगार में जा सकते हैं। भावना के साथ हम सब वृक्ष लगाएं, पर्यावरण को संतुलित करें। शाला प्रवेश मनाने का उद्देश्य एक यही है भैया, क्योंकि पाँचवीं पास करके बच्चे जो छठवीं में गए हैं उनका हौसला उपजाए करना हम सबका कर्तव्य है। और यहाँ की जो हमारी मैडम जया तिवारी जी हैं तो उनका नेतृत्व में बच्चों की जो देखभाल होती है और अच्छी पढ़ाई की उनको समझाई जो दी जाती है वो बहुत अच्छी लगती है। और राजकुमारी पटेला जी मैडम हैं वो भी बहुत अच्छा उनका देखरेख है, उनके देखरेख के नेतृत्व में बच्चों का पढ़ाई लिखाई का जो रहता है वो बहुत अच्छा है। और इस बीच में क्या है जो आठवीं पढ़ करके बच्चे नौवीं में आए हैं उनके लिए साइकिल वितरण का भी आज प्रोग्राम यहाँ था तो वो भी रखा गया। और ये बहुत पहले से ही साइकिल वितरण का प्रोग्राम चलता रहता था और आज भी चल ही रहा है और इसी तरह चलते रहे आगे भी, ये हम सभी चाहते हैं। और इसी तरह अगर प्रोग्राम चलते रहे और बच्चों को जो साइकिल मिली है भैया इससे क्या होता है, एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे लगी क्योंकि पैदल आते थे तो उनका समय बहुत नष्ट होता था, अगर अब साइकिल मिल गई हो साइकिल से आना जाना करेंगे तो उनका काफ़ी समय बचेगा और समय बचने क्या वो समय का जो है वो पढ़ाई में अगर उपयोग करेंगे तो उससे क्या है उनका पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा आगे का जो है नंबर वगैरह आएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये मेरी सोच है। और हमने बच्चों को बहुत आशीर्वाद दिया और क्योंकि आशीर्वाद इसलिए दिया कि बच्चे आगे बढ़े और आज के बच्चे जो हैं आगे भविष्य हैं भारत देश के लिए, अगर ये लोग पढ़ाई लिखाई करके अच्छे लेवल पे जाएंगे भैया तो भारत देश के लिए बहुत बड़े काम आएंगे और आगे चल कर हमारा भारत देश बहुत तरक्की करेगा क्योंकि हमारा भारत देश सोने का चिड़िया रहा है और है और हम चाहते हैं कि आगे भी हमारा भारत देश सोने का चिड़िया ही रहे। हमारे लिए बहुत ही पावन दिवस है क्योंकि हमारे यहाँ शाला प्रवेश उत्सव रहा इस नवीन सत्र का और हमारे माननीय यहाँ के जुझारू कर्तव्यनिष्ठ और जो हमारे साथ देने वाले सबका साथ सबका विकास वाले जो हमारे सांसद महोदय हैं श्री माननीय विजय बघेल जी, वो हमारे शाला में पधारे और उन्होंने अपना भरपूर समय दिया, सहयोग दिया और प्रोत्साहन भी दिया बच्चों को और तिलक लगाकर उनका नव प्रवेशी बच्चों का स्वागत किया। और अभी हम साइकिल वितरण भी उनके गमलों के द्वारा करवाया गया, अभी वृक्षारोपण भी होगा और उनका मनोबल उनके आने से हमारी शाला का हमारे शाला के स्टाफ का और सभी बच्चों का बढ़ा है और आगे भी हमें चाहेंगे उनका सहयोग हमें मिलता रहे और हमारी शाला नित्य प्रति इस प्रकार से निरंतर आगे बढ़ती रहे, बच्चे हमारे आगे बढ़ें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छा उनको सारी सुविधाएं शासन की जितनी योजनाएं हैं हम चाहते हैं कि 100% बच्चों को उनका लाभ मिले, इसके लिए हम उनके बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और जय माँ जय छत्तीसगढ़। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैंप वन में शाला प्रवेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों ने उपस्थित जन समुदाय एवं अतिथियों का मन मोह लिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।